डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग फॉरेस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए आपने पहली तीन वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप चेक कर सकते हैं उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स लॉन्च हो चुका है आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर डेली क्विज लगा सकते हैं टेलीग्राम पर भी हमें हमारी टीम से बात कर सकते हैं चलो शुरू करते हैं देखिए पहला प्रश्न है द इम्पीरिकल फॉरेस्ट रिसर्च व सेटअप एट जो इम्पीरिकल फॉरेस्ट रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी देखिए इसकी बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में कहाँ पे देहरादून में कब 1906 में ये भी आपको याद रखना है जो इसकी इम्पीरिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब एस्टेब्लिश किया गया था उन्नीस में कहाँ देहरादून नेक्स्ट प्रश्न है द अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था इसकी बात करें तो इसकी बात करें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया था अगला प्रश्न है कि एसिड रेन इज कोज ड्यू टू ये अमली वर्षा होती किसके कारण जो मेन कोज है क्या इसका मेन कॉज है तो वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाई ये आपको याद रखना ए और बी इसके दोनों बी और सी ये दोनों होंगे तो इसका आंसर डी होगा देखिए बात करें इसके बारे में तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एसिड रेन है वो केमिकल रिएक्शन बनाता है किसके कारण जो कंपाउंड है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा एक केमिकल रिएक्शन बनाता है एयर के बीच में जो ये सब्सटेंस होते हैं जो वेरी हाई जो बहुत तेज़ी से राइस करते हैं किसमें एटमोसफेयर में देखिए बहुत जल्दी मिक्स भी हो जाते हैं किसमें वाटर में ऑक्सीजन में और अदर जो भी रसायनिक अन्य जो भी केमिकल होते हैं उसके साथ ये बहुत जल्दी घुल जाते हैं कहाँ पे एयर के बीच में और ये ही जो बनाते क्या बनाते हैं जब ये एयर में घुल जाते हैं तो क्या करते हैं बहुत ही ज़्यादा अम्लीय प्रदूषक होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं एटमोसफेयर में और इसे हम क्या कहते हैं एसिड रेन के नाम से जानते हैं ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज दोस्तों व्हाट्सएप जरूर करें हमारी टीम से बात करें बहुत ही सस्ता कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं वेरी क्योंकि आपका सात को एग्ज़ाम है सात नवंबर को बहुत ही इजी वे में आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स तो ज्वाइन कर सकते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर फिर बर्च और जूनिफर किन जंगलों में पाए जाते हैं तो इसकी बात करें अल्पलाइन में पाए जाते हैं ये भी आपको याद रखना है बी इसका आंसर होगा अगला प्रश्न है ए, कि जो, जो सुंदराई ट्रीज़ आर फाउंड इन डैश फॉरेस्ट देखिए सुन की बात नहीं हो रही है सुंदराई ट्री की बात हो रही है या सुंदरी ट्रीज भी बोलते हैं इसे वो पाए जाते हैं मैंग्रोव में ये याद रखना है कहाँ पे पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में मैंग्रोव बनों में पाए जाते हैं इसकी बात करें जो सुंदरी के पेड़ होते हैं भारतीय है। उप में मनूज मौजूद मैंग्रोव पेड़ों की प्रमुख किस्में हैं ये याद रखना है जो मैंग्रोव पेड़ों की एक किस्में है वे पश्चिम बंगाल के पास स्थित तो सुंदर वन डेल्टा में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है हेरिटेरा फॉर्म्स है जिसे मालवेसी परिवार में वर्गीकृत किया गया है ये, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग फॉरेस्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इन इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसकी बात करें वो है याद रखना पा झड़ी बन ये भी आपको याद रखना इसका होगा डी इसका आंसर हो अगले प्रश्न की बात करें देवदार सेउस चीड़ किस क्षेत्र के जंगलों में पाए जाते हैं जो देवदार है सेउस पाइन आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ विच रीजन देखिए इसकी बात करें तो वो पाए जाते हैं द इन द फॉरेस्ट ऑफ हिमालय हिमालय के जंगलों में ये आपको देखने को मिलेंगे अगला प्रश्न है कि द वर्स्ट रिसोर्सिस ऑफ अनयूटिलाइज नेचुरल गैस कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अप्रयुक्त प्राकृतिक गैस के विशाल संस्थानों का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है इसकी बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो होगा फर्टिलाइजर या उर्वरकों के रूप में किया जाता है देखिए आपको याद रखने होंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहली तीन वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप चेक कर सकते हैं ब्रास गैट्स डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पित्तल हवा में फिक्का पड़ जाता है वो है बी वो है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण फिक्का पड़ जाता है ये भी आपको याद रखना है अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विवीज पत्री फल नहीं है तो इसका जो आंसर होगा बी होगा पाइनएप्पल नहीं है देखिए अगला क्वेश्चन है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड एट जो सिक्त वन प्रबंधन अवधारणा पहली बार बार लागू किया गया था वो है सी अरावरी में लागू किया गया था याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जो सिक्त वन प्रबंधन वन संरक्षण और विकास के लिए पारस्परिक विकास विश्वास और संयुक्त रूप से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के आधार पर फ्रिज वन समूहों और वन विभाग के बीच संबंधों को विकसित करने की अवधारणा है सुख्त वन प्रबंधन की शुरुआत 1980 में पश्चिम बंगाल में एशिया और अफ्रीका में हुई थी ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है यही आपको बताना था थैंक यू एंड हैवी नाइस डे गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बाय